हेलो दोस्तों, हिंदी एंडवाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके फोन पर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और आप मोबाइल को घर पर भूल गए हैं, या फिर आपने मोबाइल को घर पर चार्ज पर लगाया है, आप किसी और काम में बिजी हैं या फिर किसी और कमरे में हैं और उस कॉल को आपका कोई फैमिली मेंबर देख लेता है, नाम देख लेता है, नंबर देख लेता है या फिर कॉल को रिसीव कर लेता है, तो दोस्तों आपकी तो पोल खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोल ना खुले तो आप इस वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोबाइल पर आने वाली इनकमिंग कॉल को लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, किसी को भी नंबर और नाम दिखाई नहीं देगा और कोई भी बंदा आपके सिवा कॉल को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इससे कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो यहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। शेयर बटन पर क्लिक करके दोस्तों सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस ट्रिक के बारे में सीख पाए। इसके बाद आपको नीचे आना है और एक कमेंट कर देना है, यहां पर आपको एक कमेंट कर देना है कॉल लॉक। इतना काम करके दोस्तों आप जरूर से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका नाम है आई कॉल सिक्योर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद परमिशन देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको पैटर्न या पासवर्ड सेट कर देना है ताकि कोई भी बंदा आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल को रिसीव ना कर पाए। तो हम यहाँ पर पैटर्न लॉक को कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर डन कर देते हैं। अब ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी है आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट है और ये डीएक्टिवेट हो गई है, ठीक है। तो हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑल कॉन्टैक्ट्स और यहाँ पर आपको मिलता है ऐड कॉन्टैक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर सेव है सभी के ऊपर लॉक लगाना, तो आपको यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर देना है। ये एक्टिवेट हो चुका है, एक बार क्लिक करेंगे डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल डीएक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक नंबर रखना चाहते हैं, दो नंबर या दस नंबर। आप जितने भी नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे सिर्फ उन्हीं नंबर पर लॉक लगा हुआ रहेगा इनकमिंग कॉल पर, ठीक है। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको नंबर को सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों ये बंदा जब भी आपको कॉल करेगा तो उस पर लॉक लगा हुआ होगा, ना नंबर दिखाई देगा ना ही नाम दिखाई देगा और कोई भी बंदा उसे रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है। बैकग्राउंड में दोस्तों कोई वॉलपेपर आप सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से, ओके बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो नेम। आप चाहते हैं कि नाम भी ना दिखाई दे तो आपको यहाँ से इसे ऑफ कर देना है, डन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने नंबर से, अपने एक मोबाइल से यहाँ पर दोस्तों कॉल कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही नंबर दिखाई दे रहा है, ना ही नाम दिखाई दे रहा है और कोई बंदा इसे ओपन भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे रिसीव करने के लिए जो मैंने पैटर्न बनाया था दोस्तों, जैसे ही मैंने डाला कॉल यहाँ पर आ चुकी है सामने। अब यहाँ से मैं आसानी से कॉल को रिसीव या फिर कट कर सकता हूँ। तो है ना दोस्तों यूज़फुल एप्लीकेशन। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।